सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सुबह के बज रहे हैं अराउंड अभी 6 और मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली के लिए। एक्चुअली मेरा एक काम पड़ गया था तो उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ गया। और मेरे साथ है आज मेरा भतीजा पुनीत। और या आज हम दोनों जा रहे हैं और प्लान ऐसा है आज दिन भर हम दिल्ली घूमेंगे और दिल्ली घूमने के बाद वापिस आ जाएंगे। एक्चुअली छोटा सा एक काम था इसका और मेरा, तो वो निपटाने के लिए हम जा रहे हैं। और उसका एक नई राइड भी होने वाली जल्दी से। कल मेरा व्लॉग था जो मैंने 2 दिन का, मतलब जो व्लॉग बनाया था, 2 व्लॉग बनाए थे, वो पता नहीं क्यों उड़ गया, कैसे उड़ गया, पूरा डाटा खराब हो गया मेरा। और ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब भी कोई अच्छा व्लॉग बनाता हूँ तो मेरा डाटा उड़ जाता है। सेम हाल मेरा यही लद्दाख में, जब मैं पैंगोंग लेक की तरफ गया था तो मेरा पूरा डाटा उड़ गया था। 4 से 5 दिन का डाटा पूरा खराब हो गया था। कल भी मेरा खराब हो गया तो बहुत, कल बहुत ज़्यादा मूड खराब था। फिलहाल तो भाई रास्ता कुछ ऐसा है अभी अपना हल्द्वानी से रुद्रपुर वाला, और थोड़ी देर में हाईवे मिल जाएगा। तो बस भाई चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे क्या क्या रहेगा आज का पूरा दिन। स्टे ट्यून्ड। तो भाई जैसे हम ये जंगल में पहुंचे ना, सी दिस गाइस, यार दोबारा से कहीं ये देखो एक्सीडेंट ना, इस गाड़ी इस रोड में ना एक्सीडेंट हो ही जाते हैं हमेशा, जब भी कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ हो ही जाता है। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले ये एक्सीडेंट हुआ है याली रोड में। तो भाई मैं बहुत संभल के चलता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि यहाँ जितना स्लो जा सकूँ, मतलब इजीली पहुँचे, क्योंकि ये रास्ता इतना गंदा है ना, आपको हमेशा एक्सीडेंट मिलता है क्योंकि लोग सोचते हैं खाली रोड है और खाली रोड समझने के चक्कर से गाड़ी तेज भगाता है। जहाँ गाड़ी तेज भगाई ना, वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है, तो इसलिए तो थोड़ा सेफ ही चलना चाहिए। बस ये वाला रास्ता जंगल पार करते हैं, उसके बाद फिर सीधे हाईवे टच कर लेंगे हम। भैया हम पहुंच गए मोगा और यहाँ ना अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएंगे और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह भी करके फिर आगे को बढ़ते हैं, क्योंकि ना आगे फिर कोई रेस्टोरेंट ढंग का है नहीं, मोगा ही है, मोगा के बाद कुछ मिलता नहीं आगे, फिर दीजिए फिर सीधे दिल्ली। तो भैया यहीं खाना पीना करते, खाना हो गया। और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई ना, खाना ऑर्डर करा, कुछ व्लॉग बनाया नहीं, भूल गया था अचानक, क्योंकि एक रील डालना था उसको डालते डालते मैं भूल गया कि मुझे इसको भी रिकॉर्ड करना था। वैसे हमने पराठा वगैरह लिया, चाय और पराठा खाया, अब यहाँ से हम चल रहे हैं आगे को दिल्ली की तरफ। पहुंच गए थे हम दिल्ली, पहुंचते ना देखो भाई क्या है ये जाम ना, कम से कम आधे घंटे से जाम में फंसा हुआ हूँ। और मुझे ना गाड़ी अभी लेफ्ट में निकालनी है और आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ निकालने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है भाई, जल्दी से मेरे गाड़ी निकालता हूँ। तो भैया यहाँ ना मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और लाल किला के पार्किंग में गाड़ी पार्क करी है। अब यहाँ से अब जा रहे हैं हम अपने काम निपटाने, जल्दी से काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं आगे को अपनी और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो भाई काम वगैरह तो सारा निपटा दिया और टाइम हो गया लगभग 5:30। और अभी ना मुझे एक परफ्यूम वगैरह लेना है तो मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक पे। तो भाई चांदनी चौक का नज़ारा कुछ इस तरह का है, तो परफ्यूम वगैरह लेके फिर यहाँ से जाएंगे हम पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठ के, फिर वापस हल्द्वानी को जाते हैं। आज का टाइम ना मतलब बहुत हेडेक था, लगभग हमको 5-6 घंटे हुए होंगे ना, 5-6 घंटे हमने मतलब अपने शॉपिंग पे लगा दिया था, कुछ शॉपिंग भी था कुछ मीटिंग भी थी, तो दोनों काम निपटा के फिर यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। और अभी चांदनी चौक में मैं हूँ किशनगंज गुरुद्वारे के सामने, और यहाँ ना मेरा बहुत टाइम बीता था 2016-17 में, मैं जब यहाँ हल्द्वानी से यहाँ आता था ना, तो कई बार यहाँ गुरुद्वारे में लंगर वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके नहा धोना करके यहीं से हम अपनी शॉपिंग वगैरह करते थे। और आज ऐसा दिन हो गया कि यहाँ आने का टाइम नहीं हो पाता, तो पहले तो साइड हो जाते क्योंकि रिक्शे वाले आगे से आ रहे हैं। और ये रहा सामने गुरुद्वारा, ओहो पक्का ना पता नहीं चलता कब बिजी हो जाए, कब आदमी कैसा हो जाए, मतलब बिजी रह जाता है फिर आने का टाइम भी नहीं हो पाता, तो वही चीज़ हमारे साथ, बगल में गुरुद्वारा है और जा नहीं पा रहे। तो भाई हमको पहले ना अपना काम निपटाना है, परफ्यूम वगैरह लेना है, उसका फिर चलना है आगे को, अगर मौका मिलेगा तो गुरुद्वारे में दर्शन करके जाना है, मिठास चना बर्फी लेनी मिठास से। तो भाई पहले अपनी शॉपिंग करते हैं फिर स्वीट्स वगैरह लेके फिर निकलते हैं हल्द्वानी को।
गया जहाँ हमने पहुँचाना परफ्यूम लेने के लिए, पहुँच गए और सामने हमारा ये दुकान जौहरी मल, और जौहरी मल गुलाबचंद के नाम से दुकान है ये, तो भाई बहुत फेमस है और यहीं से मैं अपने लिए परफ्यूम वगैरह लेता हूँ। तो भाई लेते हैं परफ्यूम और चलते हैं। तो भैया जो मेरे परचेस करनी थी परफ्यूम वगैरह परचेस कर लिया है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने रास्ते, तो यहाँ से अब जा रहे हैं हम अपने पार्किंग में, और पार्किंग में अपनी गाड़ी लेते हैं, अब चलते हैं वापस हल्द्वानी को। जो भी शॉपिंग वगैरह थे सारा हो गया, खाना भी नहीं खाया आज, पता है। अब खाना खाएंगे कहीं पे, हल्दीराम चले, हल्दीराम में खा लेंगे। पहले वहाँ जाना मिठास नहीं, पहले यहाँ मिल जाएगा, पहले यहाँ देखते हैं मिठास अगर है तो मिठास से ले लेते हैं इसकी मिठाई, और उसके बाद कुछ खाना पीना करते हैं, हल्दीराम से कुछ खाते हैं, उसका चलते हैं। चना बर्फी लेके फिर चलते हैं हल्दीराम पे खाना वगैरह खाते हैं। और भाई यहाँ का माहौल सामने बड़ा प्यारा सा हो जाता है, सी कितना प्यारा लाइट्स हैं यहाँ की। गाड़ी के पास पहुंच गया हूं मैं, ये रही मेरी गाड़ी, और यहाँ सब चलते हैं अंदर हो जाते हैं पहले तो। भाई दिल्ली की थकावट ना बहुत खतरनाक होती है। चलो पहले गाड़ी बैक करते हैं क्योंकि जगह तो बची नहीं है बिल्कुल भी। जगह दिखाता हूं मैं आपको, वहां ना भैया से अभी गाड़ी करवा रहे हैं आगे। तो भैया पहले बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर करते हैं बातचीत। भाई सुबह से लेके शाम तक हमने गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी, और हमारा जो पार्किंग का चार्ज था ना, लगभग हमने कितने बजे से खड़ा करा हुआ है, हमने 11:15 बजे से, 11:15 से, यानी लगभग 8 घंटे का हमारा सिर्फ 100 रुपये का चार्ज पड़ा। गाड़ी ना यहीं पार्क करता हूँ हमेशा जब भी आता हूँ, और यहाँ सेफ भी रहती गाड़ी। भैया चलते हैं आगे को, दिल्ली से बाहर निकलते हैं, एक तो दिल्ली की ट्रैफिक ना भाई बहुत ज़्यादा रहती है। आहा भाई चांद देखो यार, आज करवा चौथ का चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये हाईवे में ना गाड़ी चलाते समय तो बड़ा प्यारा ही एक्सपीरियंस मिल रहा है इस करवा चौथ के चांद का। भाई इस करवा चौथ के चांद ने तो 4 चांद कर दिए हमारे ट्रिप का, और भाई ये हाईवे में ना ये चांद बहुत मज़ेदार लग रहा है, और देख के ऐसा लग रहा है ना भाई जल्दी से कोई हमारी भी बन जाती, और कोई है तो प्लीज़ बता दो यार, DM कर देना या कमेंट में बता देना। और फिलहाल तो हम अभी चलते हैं ये हाईवे के साथ साथ अपने रेस्टोरेंट के यहाँ, जहाँ हमने खाना वगैरह खाना है, क्योंकि भाई भूख भी लग रही है। हमारा तो कोई करवा चौथ का व्रत वगैरह था नहीं, लेकिन भूख बहुत लग रही है, क्योंकि सुबह से हमारी हालत इतनी डाउन हो गई ना घूमते, भाई अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से कोई रेस्टोरेंट आए और वहाँ बैठ के हम खाना खा लें। तो भाई अब हम पहुँच गए शिवा ढाबा, जो मेरा हमेशा का एक एड्रेस है जहाँ मैं खाना खाता हूँ, जहाँ मेरा स्टॉप है, तो भाई यहाँ खाना वगैरह खाते हैं। भाई यहाँ का बाथरूम देखो कितना प्यारा बाथरूम बनाया है जैसे किसी होटल 5 स्टार में होता है वैसा बाथरूम। 2 चम्मच कॉफी ना, ना 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 सिर्फ कॉफी दे देना, थोड़ा सा कॉफी। भैया पालक पनीर कर दो और तंदूरी रोटी कर दो, दो दो कर दो पहले, ठीक है। तो फिर देखो हमने क्या करा, हमने कॉफ़ी मंगा ली, और कॉफ़ी में ये हेल डाल के कॉफ़ी शॉट बना रही, क्या बना रही है, कॉफ़ी शॉट, कॉफ़ी शॉट। भाई आज पहली बार पीऊंगा मैं कॉफ़ी शॉट, कैसा होता है। इससे नींद नहीं आती है बस, तो एक्चुअली रात में नींद ना आए ना, इसलिए हमने बना लिया अपने लिए कॉफ़ी शॉट, और कॉफ़ी शॉट में अलग में हेल्थ, तो भाई ये पियेंगे। चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, चीयर्स। तो ये हमने मंगा दी थी अपने लिए, ये कौन सी है, पालक पनीर और साथ में तंदूरी रोटी, साथ में हमारे शॉट कॉफ़ी शॉट। तो भाई चीयर्स, तो जल्दी से खाना वगैरह करते हैं और बस भैया थैंक यू।
तो भैया खाना पीना हो गया है, भाई पेट भर गया पूरा अच्छे से, और हेल ने ना पूरा हेल ने तो भाई अंदर से एकदम चार्ज कर दिया, चार्ज फुली चार्ज। और भाई टेस्ट ना बहुत अच्छा, अगर आप लोग हेल पियोगे ना, मतलब हेल के साथ कॉफी अगर पियोगे ना, हेल रेड बुल एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी पियो उसके साथ, कॉफी के साथ पियो और एक अलग ही मतलब टेस्ट तो भाई जबरदस्त था, बहुत प्यारा टेस्ट था। तो अब थोड़ी देर हम यहाँ रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे फ्लाइट टेक ऑफ करते हुए अपने हल्द्वानी को। तो थोड़ी देर का भी गाड़ी में रेस्ट करते हैं जब भी निकलेंगे, क्योंकि ना थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना पेट, तो गाड़ी चलाने में नींद आ जाती है। तो जल्दी से पहले हल्के होते हैं उसके बाद जय माता दी करते हैं। तो ये फाइनली हम पहुंच गए हैं घर पे, मतलब मैं कुलदीप के घर पहुंच गया हूँ। और अभी लगभग टाइम कितना हो रहा होगा, 1:20 के आसपास का टाइम हो गया, टाइम हो रहा 2:10 2:10 हो गए। बाप रे, अगर हम अगर सही से आते ना, मतलब थोड़ा और धीरे, वैसे हम आराम से आए, हमने कम से कम 3-4 जगह रुके, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं सोचा चलो सीधे घर पहुँच के ब्लॉग बनाएंगे। तो 2-3 जगह हम रुकते आए, चाय वगैरह पी, और उसके बाद थोड़ा नीचे भी बैठ गए थे, और फिर यहाँ अपने रूम में आए, रूम में आ गए। तो अगर आपने मेरा ये ब्लॉग पूरा यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन को भी दबा देना यार, सब कुछ करना जो बता रहा है मेरा भतीजा। क्यों तो मिलते हैं कल या परसों नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और नींद इतनी तगड़ी हो गई, मुझे थकाई इतनी ज्यादा हो गई ना कि मैं सोचा सो जाता हूँ, क्योंकि सोना है फिर सुबह उठना है, उसका फिर कल फिर से अपने बैक टू वर्क पे लग जाना है। तो भाई चलते हैं, बाय बाय।